एलएसी पर भारत चीन के बीच डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया हुई पूरी, पेट्रोलिंग पॉइंट से 2 किलोमीटर पीछे हटे चीनी सैनिक। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान की नई चाल, पाकिस्तान ने किया दावा। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से किया इनकार, दूसरा काउंसलर एक्सेस देने की पेशकश। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को दी मंजूरी। कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी दी। सरकार ने दिए राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच कराने के आदेश। गृह मंत्रालय ने गठित की समिति, संस्थान की फंडिंग और नियमों के उल्लंघना की जांच करेगी समिति। सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में छात्रों पर सिलेबस का बोझ किया कम, स्कूली कोर्स में 30% की कटौती। धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद जैसे कई चैप्टर को मौजूदा सत्र के पाठ्यक्रम से हटाया गया। देश में 24 घंटे में ठीक हुए 16,833 कोरोना मरीज। देश में 61.53% कोरोना का रिकवरी रेट। अब तक 264,944 कोरोना के एक्टिव केस, 456,831 कोरोना मरीज ठीक भी हुए। पंजाब कैबिनेट ने जाहिर की कोरोना के बढ़ते मामलों पर फिक्र। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने लोगों को फिर चेताया, कहा कोरोना को लेकर बरतें सावधानी, लोगों से अगले 4 हफ्ते तक बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की अपील। पंजाब कैबिनेट ने लुधियाना में मॉडर्न इंडस्ट्रियल पार्क, राजपुरा में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना को दी मंजूरी। इंतकाल फीस भी 300 से बढ़ाकर 600 की। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्राइवेट स्कूलों से मांगी जा रही लॉकडाउन की अवधि की फीस के मामले में पंजाब के एजी से इसी हफ्ते हाईकोर्ट में लेटर्स पेटेंट अपील यानी LPA दाखिल करने को कहा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दे चुका है प्राइवेट स्कूलों के हक में फैसला। शिरोमणि अकाली दल की ओर से पेट्रोल डीजल को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ किए गए प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का पलटवार, कहा अकाली दल पहले केंद्र से कम कराए पेट्रोल डीजल के दाम, कहा अकाली दल को सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 को वापस लेने के निर्देश देने का आग्रह। बिल को बताया पब्लिक के लिए चिंता और राज्य सरकारों के अधिकारों में अड़चन डालने वाला। सुखदेव सिंह ढींडसा की ओर से नई पार्टी के ऐलान के बाद शिरोमणि अकाली दल टकसाली के अध्यक्ष रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने जाहिर की नाराजगी। बोले ढींडसा दिल्ली वालों के हाथ पे खेल रहे हैं। ढींडसा बोले टकसाली नेता मर्जी से मेरे साथ आए। न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल से बोले परमिंदर सिंह ढींडसा, कहा शिरोमणि अकाली दल बादल ने अकाली दल की विचारधारा से उलट काम किया। बोले इन्होंने सिर्फ पंजाब बर्बाद किया। कहा अकाली दल बादल और कांग्रेस से निराश है पंजाब की जनता, तीसरे मोर्चे को देगी मौका। हरियाणा में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। प्रदेश में 691 नए कोरोना मरीज सामने आए। प्रदेश में 4,302 कोरोना के एक्टिव केस। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक। बोले पूरी दुनिया में पर्यटन उद्योग संकट से गुजर रहा है। कहा हमें पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए मिलकर आगे बढ़ना है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से रद्द किया गया एशिया कप 2020। BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दी जानकारी।